मेरा नाम राबिया है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ. मैं अपना पेज पिछले कोई 10 साल से रन कर रही हूँ केक मेनिया के नाम से फेसबुक पे. मैं आज आप लोगों को पीना कोलाडा पैशन सिखा रही हूँ. ये एक डिज़र्ट है जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी और मज़े की है. ये वैसे आप लोग जानते हैं इसको एज अ ड्रिंक पीना कोलाडा इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा बहुत मशहूर है. लेकिन आज मैं उसी का वर्जन आपको एक पीना कोलाडा डिज़र्ट में सिखा रही हूँ. ईद के हवाले से ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है बिकॉज़ ईद गर्मियों में आ रही है, तो ये बहुत ठंडी और बहुत ईजी डिज़र्ट है जो आप फ़ौरन फटाफट, आपके मेहमान आ रहे हो तो आप फटाफट बना सकते हो. जी, यहाँ पे हमने 2 डब्बे क्रीम के ले लिए हैं जो कि 400 ml आपकी क्रीम बनेगी. ये जो है पाइनएप्पल का टिन आप नॉर्मल लेके उसमें से आपने पाइनएप्पल के चंक्स अलग कर लेने हैं और पाइनएप्पल का जो पानी होता है उसको अलग कर लेना है. कोकोनट पाउडर्ड मिल्क होता है, बाज़ार में आम अमूमन मिल जाता है वो है. कोकोनट जिसको खोया कहते हैं वो है, थोड़े से गार्निश वगैरह के लिए. ये 1 कप चीनी पिसी हुई है. और यहाँ पे जो है हमारे पास कोकोनट बिस्किट्स, आप बेकरी के भी बिस्किट्स ले सकते हो या डब्बे वाले बिस्किट्स, कोई भी जो आपको आम पसंद है. यहाँ पे जो है हमने 2 पैकेट क्रीम ले ली है. ये अच्छी तरह बीट किया है, या आप एग बीटर से भी कर सकते हो. अच्छी तरह इसको बीट करोगे तो वो फूल जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह से सख्त होना शुरू हो जाएगी. क्रीम ले ली है अपनी और उसके अंदर जो हमने कोकोनट पाउडर्ड मिल्क जो था, पाउडर्ड मिल्क नॉट द लिक्विड वन, लिक्विड वाला हम नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो आपकी क्रीम को रनी कर देगा. सो ये पाउडर्ड मिल्क जो है कोकोनट हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे. हम जो सबसे पहले जो चीज़ करेंगे जी, वो हम अपनी एक बिस्किट की लेयर डालेंगे. अपना पाइनएप्पल जूस है वो आप किसी तरह भी, आप, मैं यूजुअली ये करती हूँ कि इस बॉटल में डाल देती हूँ, लेकिन आप इसको चम्मच से भी इस तरह से ड्रिजल कर सकते हैं. थोड़ा सा गीला कर दें आप अपनी कुकीज़ को. आपने ये जो क्रीम का मिक्सचर बनाया हुआ है आपने उसको आपने ऊपर लेयरिंग दे देनी है. तो आप इसको प्यार से करें. डिज़र्ट्स बनाना जी बहुत मज़े का काम होता है, ये पूरी एक आर्ट होती है. इसके बाद जो है आप थोड़े से पाइनएप्पल्स इसके ऊपर डालोगे और फिर हमने इसमें थोड़े से जो हमारे कोकोनट्स हैं वो हमने इस तरह से थोड़े से ऊपर फैला दिए. इसके बाद जो है हम वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे. हमने यहाँ पे जो है एक नॉर्मल वही व्हिपिंग क्रीम ली है और उसको हमने अच्छी तरह बीटर से बीट कर लिया. कोई भी आप डिज़ाइन थोड़ा सा उसको खूबसूरत बनाने के लिए कर सकते हैं. है ये मैं फाइनल गार्निश के लिए ले रही हूँ थोड़ी सी कुकीज़ जो टूटी फूटी थी. जो बीच की लेयर है उसमें हम अपनी ये जो कुकीज़ हमने क्रश की थी हम इनको डाल लेते हैं और फिर हम अपने साइडों वाले पे पाइनएप्पल्स डाल लेते हैं. ये आपका डिश तैयार है. यहाँ पे आप इसको आराम से फ्रिज में 2-3 घंटे रखो ताकि ये अच्छा ठंडा हो जाए और आप अपने यू नो गेस्ट को जब सर्व करोगे ठंडा ठंडा तो वो और ज़्यादा इस गर्मी में मज़े का लगेगा.